गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट। आज जो चैप्टर अपन स्टार्ट करने वाले हैं उस चैप्टर का नाम है दैट्स कॉल्ड द मास स्पेक्ट्रोस्कोपी। मास स्पेक्ट्रोस्कोपी क्या है ये अपन जो है डीपली तो नहीं बोलेंगे, वन बाय वन जो है वीडियो के थ्रू से अपन जो है डिस्कशंस करने वाले हैं। ओके आपको जो है इसके हेडिंग से ही लग रहा होगा कि मास स्पेक्ट्रोस्कोपी में मास मतलब कहना का जो है कंसेप्ट का है, मास का है, मीन्स जो है कोई भी एलिमेंट के एटम के जो है मास का कंसेप्ट इसमें जो है आने वाला है। ठीक है, तो एक्चुअली मास स्पेक्ट्रोस्कोपी है क्या, क्या रहता, इस प्रोसेस में अपन जो है क्या करते, ये पूरा अपन जो है इस चैप्टर के अंदर डिस्कशंस करने वाले हैं। और ये चैप्टर जो है बहुत ईजी है और इस पर प्रॉब्लम्स भी आते हैं और बहुत इजी चैप्टर जो है मैं मानूंगा कि ये स्पेक्ट्रोस्कोपी का है। ठीक है, तो अपन जो अच्छे से जो है इसको अपन इस वीडियो से और आगे आने वाले वीडियोस से जो है अपन डिस्कशंस करने वाले हैं, दैट्स कॉल्ड द मास स्पेक्ट्रोस्कोपी। ठीक है, मास स्पेक्ट्रोस्कोपी या मास स्पेक्ट्रोमीट्री, इसको जो है और जो है कन्फर्मेटिव टेक्निक, और क्या बोलेंगे, दैट्स कॉल्ड द कन्फर्मेटिव टेक्निक। और ये जो है इसमें होता गया, इसमें अपन जो है कोई अननोन ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल जो है अननोन ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल को जो है का स्ट्रक्चर अपन जो है अननोन ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल का अपन जो है स्ट्रक्चर जो है डिटरमाइन करेंगे, मतलब कौन सा स्ट्रक्चर है। एग्जांपल्स अपने पास जो है एक ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल दिया है। ठीक है, अब इस ऑर्गेनिक अननोन ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर उसके मास के डिपेंडिंग जो है अपन जो है डिटरमाइन कर सकते हैं, पता लगा सकते हैं कि जो अपने पास जो बीकर में या कोई जो है सैंपल जो आया वाला है तो एक्चुअल कौन सा सैंपल है, कौन सा कंपाउंड है। तो इस बाय यूजिंग ऑफ इसके मास का यूज़ करके अपन जो है मास स्पेक्ट्रोमीटर का यूज़ करके जो है अपन कौन सा कंपाउंड है ये अपन जो है डिटरमाइन कर सकते हैं। ठीक है, ओके, सो यानी कि इस टेक्निक में कौन से मास स्पेक्ट्रोस्कोपी टेक्निक के अंदर या मास स्पेक्ट्रोमीट्री के अंदर अपने को जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस की ज़रूरत नहीं है, याद रखो। ठीक है, मास स्पेक्ट्रोस्कोपी में मास स्पेक्ट्रोमीटरी के अंदर जो है वी नो रिक्वायरमेंट ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। मतलब जो है ये जो टेक्निक है कौन सी मास स्पेक्ट्रोस्कोपी की, मास स्पेक्ट्रोमीट्री की, ये टोटली डिपेंड्स अपॉन द एटॉमिक मास ऑफ एटम्स ऑफ मॉलिक्यूल। कहीं पर डिपेंड नहीं करेगा, एटॉमिक मास ऑफ एटम्स ऑफ मॉलिक्यूल। ठीक है, तो मॉलिक्यूल जो प्रेजेंट है उस मॉलिक्यूल्स के एटम्स के एटमिक मास के ऊपर जो है ये अपनी जो टेक्निक है कौन सी मास स्पेक्ट्रोस्कोपी की टेक्निक जो है डिपेंड होती है। ठीक है, मतलब याद रखो कि मतलब ये हो गया कि मॉलिक्यूल्स के अंदर जो एटम्स हैं उस एटम्स के एटमिक मास का यूज करके अपन जो है अननोन ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल जो है अपन डिटरमाइन कर सकते हैं, पता लगा। बात समझ में नहीं आ रही कि आप लोगों के, इतना याद रखो कि अपने पास कोई मॉलिक्यूल्स कोई सैंपल दिया ला है। ठीक है, उस सैंपल के अंदर जो भी एटम्स है उस सैंपल के अंदर उस मॉलिक्यूल्स के अंदर जो भी एटम्स है तो उनके जो है एटॉमिक मास का यूज करके बाय यूजिंग ऑफ देयर एटॉमिक मास अपन जो है उस अननोन ऑर्गेनिक कंपाउंड जो अपने को दी वाला है उसको अपन जो है डिटरमाइन कर सकते हैं। मतलब इस टेक्निक के अंदर कौन से मास स्पेक्ट्रोस्कोपी, इस टेक्निक के अंदर आपको जो है किस चीज़ की जो है ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस की ज़रूरत नहीं पड़ने वाली। ठीक है, और ये तो ये हो गया अपन जो है, और बात याद रखो कि इसमें आइसोटोप भी अपन जो है कंपाउंड के अंदर मॉलिक्यूल्स के अंदर अगर आइसोटोप प्रेजेंट है तो आइसोटोप को भी जो है अपन जो है डिटरमाइन कर सकते हैं, पता लगा सकते हैं बाय यूजिंग ऑफ दिस टेक्निक। ठीक है, अब टेक्निक कहाँ से आए, कौन इसको डिस्कवर किया, कैसे डिस्कवर किया, ये आपको जो मैं बताऊंगा। इस टेक्निक को जो है फर्स्टली फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ दिस टेक्निक फर्स्टली यूज बाय जे थॉम्सन। ठीक है, इसको सबसे पहले जो है जे थॉम्सन ने डिस्कवर किया बाय यूजिंग ऑफ नियॉन 22। ठीक है, आइसोटोप नियॉन 22 इज द आइसोटोप ऑफ नियॉन 20। ठीक है, मतलब जो है इस टेक्निक को कौन सी दिस मास स्पेक्ट्रोस्कोपी टेक्निक को जो है फर्स्टली कौन डिस्कवर किया, जे थॉम्सन ने। मीन्स इसके ऊपर मतलब इसके आइडेंटिफाई किया किसको, नियॉन 22 को, फ्रॉम नियॉन दिस नियॉन 22 इज द आइसोटोप ऑफ नियॉन 20। ठीक है, तो याद रखना कि आप लोगों को इस टेक्निक को जो है जे थॉम्सन ने जो है डिस्कवर किया। ठीक है, अब इसमें जो है सैंपल कौन सा चलेगा अपने को, ठीक है, इसमें अपने को लिक्विड सैंपल भी चलेगा,
अब सैंपल बोला ना मैं आपको, सैंपल चाहिए और सैंपल के अंदर जो भी एटम्स है उस एटम्स के एटॉमिक मास का यूज करके अपन जो है कंपाउंड, ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है कौन था उसका स्ट्रक्चर अपन जो डिटरमाइन करते, ठीक है। इसको डिस्कवर कौन किया बताया मैं आपको, सर जे थॉमसन ने सॉरी। और कह पे डिस्कवर किया ये नियॉन के ऊपर। अब इससे सैंपल जो चाहिए, लिक्विड चलेगा, सॉलिड चलेगा, लिक्विड भी चलेगा, सॉलिड भी चलेगा और गैस भी चलेगा, ठीक है। लेकिन इसमें मोर प्रिफरेंशली अगर देखा जाए मतलब गैस चाहिए, ठीक है। अब गैस क्यों लगेगा मैं आपको जो है बताऊंगा, ठीक है। याद रखो इस टेक्निक के अंदर सैंपल जो है लिक्विड भी चलेगा बोला मैं आपको, सॉलिड भी चलेगा और गैस चलेगा, लेकिन मोर प्रिफरेंशली क्या चाहिए अपने को, गैस। मतलब जो है अपन जो इसमें जो इंस्ट्रूमेंट यूज करेंगे ना कहीं के अंदर मास स्पेक्ट्रोस्कोपी के अंदर, तो वो इंस्ट्रूमेंट क्या करेगा, गैस है तो गैस ही रहेगा, लेकिन वो इंस्ट्रूमेंट क्या करेंगे, लिक्विड को भी गैस में कन्वर्ट करेगा और सॉलिड को भी क्या करेगा, गैस में कन्वर्ट करेगा। मतलब जो है इसके अंदर जो अपने को टेक्निक के अंदर, इस प्रोसेस के अंदर अपने को जो सैंपल रिक्वायरमेंट है, वो सैंपल अपने को जो है गैस फेस में बोलो या वेपर फेस में बोलो वो लगने वाला है, ठीक है। अंडरस्टैंड। अभी टेक्निक के अंदर जो है, टेक्निक की जो है मेन, अभी टेक्निक जितनी जो है आपको दिख रही इजी, उतनी इजी नहीं है। मतलब इसका इंस्ट्रूमेंटेशन उतना इजी भी नहीं है कि बाबा लिए सैंपल एटमिक मास ले लिया चलेगा, हो गया काम हो गया खत्म, तो ऐसा भी नहीं है, ठीक है। इट इज़ अ वेरी कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है, इतना जो है समझ अंडरस्टैंडिंग इजी है, लेकिन इसको कंपाउंड को अगर प्रैक्टिकली परफॉर्म किए इस टेक्निक को ना, तो थोड़ा जो है टाइम लगने वाला है क्योंकि कॉम्प्लेक्स है, ठीक है। अब होता क्या है इसके अंदर वो मैं आपको बताऊंगा। इसकी जो तीन फंक्शंस है, ठीक है। पहला क्या, पहला फर्स्ट फंक्शंस, अंदर द सेकंड फंक्शंस एंड थर्ड। थर्ड इसके जो है बेसिक प्रिंसिपल बोलो या तीन जो है इसके पॉइंट्स आपको जो है याद रखने के इस प्रोसेस के, ठीक है। मीन्स किसके, मास स्पेक्ट्रोमीटर की या मास स्पेक्ट्रोस्कोपी की, ठीक है। तो इसमें पहला ये है कि आप लोगों को जो मॉलिक्यूल्स लिए, अब एक जो भी मॉलिक्यूल्स रहेगा, एग्जांपल मैंने एम लिया, समझ के लो मैं बता रहा, बाद में डीप में तो बताऊंगा बताऊंगा ये सब। अभी ये मैंने मॉलिक्यूल लिया, ठीक है। तो इस मॉलिक्यूल्स के ऊपर जो है बम्बारमेंट ऑफ स्ट्रीम ऑफ एनर्जी, इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी जो इसके ऊपर पास करती है, एनर्जी इलेक्ट्रॉन मीन्स स्ट्रीम ऑफ, लिखता हूँ मैं यहाँ पे अच्छे से, दैट द स्ट्रीम ऑफ हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन, स्ट्रीम ऑफ हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन, एंड स्ट्रीम ऑफ हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन की कितनी लगती है ये मैं आपको जो है जब डीप में बताऊंगा ना, मतलब आगे तू बताऊंगा, ठीक है। जैसा ही समझो मॉलिक्यूल्स लिए, मॉलिक्यूल्स के ऊपर आपको क्या करना है, बम्बारमेंट करना है। बम्बारमेंट क्या करना है, स्ट्रीम ऑफ हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन, हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन की जो स्ट्रीम का जो है आपको बम्बारमेंट करना है। जैसा ही आप जो है हाई स्ट्रीम ऑफ हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन बम्बारमेंट करें, आई थिंक 10 to 17 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की चलेगी, ठीक है। ये याद रखो मैं बाद में बताऊंगा, ये समझ के लो, ठीक है। तो अपना जो मॉलिक्यूल है ये जो है इसका कन्वर्शन हो जाएगा आयन के अंदर, ओके। आयन के अंदर मिस मॉलिक्यूल्स कन्वर्ट इनटू द मॉलिकुलर आयन, ठीक है। फिर बाद में जो है आगे क्या होता है मैं बताता आपको, हम आगे बताऊंगा मैं अच्छे से, खाली समझ के लो। फिर बाद में क्या होगा, दिस मॉलिकुलर आयन इज कन्वर्ट इनटू द डिफरेंट फ्रैगमेंट आयन। तो ये फ्रैगमेंट आयन में मतलब M+1 देता, M+2, M+3, M+4, इसमें क्या हो जाएंगे मतलब एंड सो ऑन, ठीक है। मतलब मॉलिकुलर आयन इज अगेन इस ब्रेक डाउन और कन्वर्ट इनटू देयर फ्रैगमेंट आयन। फ्रैगमेंट आयन में क्या हो जाएंगे, कन्वर्ट हो जाएंगे कह में मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, इसमें किसमें इसमें इस प्रोसेस में एक मैग्नेटिक फील्ड रहती है वो, ठीक है। फिर बाद में जो है ये आएंगे, बाद में आते आते जो है लास्ट में जो है ये आएंगे कहाँ पे, दैट द कलेक्टर पे आएंगे, कलेक्टर से यहाँ पे कलेक्ट होंगे और डिटेक्ट से, डिटेक्टर का यूज करके जो है डिटेक्ट भी होने वाले हैं, ये समझ के लो, ठीक है। तो बाद ओके मीन्स मतलब ये हो गया कि जो आयन्स है इस सेपरेशन होता मीन्स फ्रैगमेंट आयन के अंदर, फ्रैगमेंट आयन का सेपरेशन होने के बाद जो है ये कहाँ पे आ रहे, मतलब ये आने वाले है मीन्स पहले कलेक्टर के पास, फिर बाद में जो है रिकॉर्डर के पास। पता था मैं आपको किस तरह से प्रोसेस होता, इजी प्रोसेस है, घबराने की बात नहीं है, बहुत आसान चैप्टर है, वीडियो के थ्रू से भी आपको जो है बहुत बेहतरीन जो है तरीके से समझ में आने वाला, ठीक है। खाली इस वीडियो के अंदर जो मैं अभी बनाया है वीडियो, इस वीडियो के लिए आप इतना याद रखो कि इसके अंदर इसमें जो है अपनों को जो है मीन्स एटोमिक मास का यूज़ करके जो है अपन कंपाउंड को जो है
आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि गिवन ऑर्गेनिक कंपाउंड कैसा है, ये अपन जो है आइडेंटिफाई कर सकते हैं। और दूसरी बात ये है कि इस कंपाउंड में अपन आइसोटोप का प्रेजेंट अबंडेंस भी जो है अपन जो है निकाल सकते हैं, ये भी मैं बताया। इस प्रोसेस में आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस की आवश्यकता भी नहीं है, ये बताया मैं इस टेक्निक को। और जो है कन्फर्मेटिव टेक्निक भी बोलते हैं, और भी बताया मैं आपको कि इस टेक्निक को जो है सबसे पहले जो है डिस्कवर कौन किया, बोला मैं आपको जे जे कौन बोला था, जे जे थॉम्सन ने जो है इसको फर्स्टली जो है डिस्कवर किया, ये बताया था। इसमें जो है जो सैंपल लगता, बताया मैं आपको गैस भी चलेगा, लिक्विड भी चलेगा और सॉलिड भी चलेगा, ठीक है बताया था। लेकिन मोर प्रिफरेंशली अपने क्या चाहिए, गैस चाहिए। अगर अपन लिक्विड और सॉलिड भी लिए तो भी जो है वो जो इंस्ट्रूमेंट है ना वो जो है वेपर में और गैस में क्या करता, कन्वर्ट करता है, ठीक है। और जो बताया मैं आपको सर जे जे थॉम्सन ने जो फर्स्टली डिस्कवर किया ना इस टेक्निक को, तो इसको जो है नियॉन 22 आइसोटोप को डिस्कवरी में जो है उन्होंने बताया था, ठीक है। ये आपको इस वीडियो में जो है थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन में बताया। इसके बाद जो वीडियो बनाऊंगा ना, उस वीडियो के अंदर भी जस्ट इसके बाद सेकेंड वीडियो इसके बाद आने वाला है, तो उस वीडियो के अंदर मैं आपको ये बताऊंगा कि इस टेक्निक के अंदर कैसा इसका इंस्ट्रूमेंटेशन होता है। ओके अंडरस्टैंड, अगर बात समझ में कुछ डिफिकल्टी होगी तो बिंदा जो है आप ग्रुप में मेरे पूछ सकते हो, या पर्सनली जो है आप मेरे व्हाट्सएप पे जो है पूछ सकते हो कि समझ में नहीं आया। और दूसरी बात, इस चैप्टर के जो है आज जो पॉइंट्स मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, समझो ये अभी इंट्रोडक्शंस हो गया, तो इंट्रोडक्शंस का ये सेक्शन पार्ट जो है आपको जो है ग्रुप पे आ जाएगा, इसकी नोट्स आ जाएंगे, ठीक है। मतलब रोज जो है लेक्चर, मतलब एक दिन आड़ करके लेक्चर भी होगा, और लेक्चर के बाद जो है जैसा लेक्चर आप देख लेंगे तो उसी दिन जो है आपको इसके नोट्स भी मिल जाएंगे, ठीक है। तो लेक्चर देखने का और लेक्चर के साथ जो है नोट्स को आपको जो है लिखना भी है, ओके अंडरस्टैंड। और कुछ भी डिफिकल्टी आपको जो है आती है तो आप बिंदास जो है आप मुझे जो है पर्सनली पूछो, या फिर जो है ग्रुप में भी पूछ सकते हैं, नो प्रॉब्लम, ठीक है अंडरस्टैंड। ये हो गया प्लस, मैं आपको जो इस वीडियो में जो है इंट्रोडक्शन बताया मास स्पेक्ट्रोस्कोपी का, नेक्स्ट वाले वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को जो है इसका इंस्ट्रूमेंटेशन क्या रहता वो मैं आपको जो है बताऊंगा, ठीक है ओके।